वचन उद्धार का वचन है, फिर शाबाश सत्य का वचन है, हालेलुया, फिर परमेश्वर का वचन विश्वास का वचन है। और आज देख रहे हम परमेश्वर का वचन जो है वो परमेश्वर का वचन हमें बुद्धिमान बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का वचन हमें बुद्धिमान बनाता है। बाइबल में लिखा हुआ है कि जब सुलेमान ने 1000 होम बलि प्रभु को चढ़ाया, जब 1000 होम बलि प्रभु को चढ़ाया और चढ़ाने के बाद में उसी रात को परमेश्वर इतना खुश हुआ इस बंदे से कि प्रभु ने सुलेमान से कहा, सुलेमान मांग, तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे जो मांगेगा मैं देने के लिए तैयार हूं, मांग, तुझे क्या और मांगता है प्रभु से। और सुलेमान ने क्या मांगा उस प्रभु से, बुद्धि, प्रभु ज्ञान दे, बुद्धि दे, मुझे पता नहीं कि लोगों के साथ मैं कैसा व्यवहार करूं, किसके साथ कैसा बातचीत करूं, मैं तूने मुझे तो राजा बना दिया है लेकिन मुझे बोलने का तरीका और ज्ञान बुद्धि नहीं है, मुझे तू बुद्धि दे, ज्ञान दे प्रभु। और परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी, इतनी जबरदस्त बुद्धिमान बनाया, इतना ज्ञानी बनाया कि और सबसे पहली बात तो प्रभु उसके ऊपर इतना खुश हो गया। प्रभु ने कहा, सुलेमान तूने ना तो पैसा मांगा, ना शत्रुओं के ऊपर विजय मांगा, और ऐसी चीजें फजूल की चीजें नहीं मांगी, लेकिन तूने क्या मांगा, बुद्धि मांगी, ज्ञान मांगा, और इसलिए मैं तुझको बुद्धि तो देता हूं लेकिन उसके साथ साथ एडेड एसेट उसके साथ साथ जो है क्या क्या दे दूंगा तुझको, इतना धन दूंगा, तो ना तो तेरे पहले इतना बड़ा राजा कभी इतना धनी हुआ, ना तेरे बाद में कभी इतना धनी राजा होगा। धन और महिमा ये परमेश्वर की ओर से मिलती है, हालेलुया, परमेश्वर आपको धन देगा जब आप परमेश्वर की आराधना करेगा करेंगे। तो परमेश्वर को, परमेश्वर ने उसको इतना धन दे दिया, बहुत धन दिया, और इतना धन दिया कि उसकी बराबरी और कोई राजा अभी तक कर ना सके, कितनी अच्छी बात है। और उसको सारे शत्रुओं पर भी विजय दे दिया, हालेलुया। और वही ज्ञान और बुद्धि की बातें आज हम करने जा रहे हैं। और परमेश्वर जो है वह चाहता है कि हम इस बुद्धिमानी, बुद्धिमान बनाने वाला, सबसे पहली बात ये देखेंगे परमेश्वर ये बुद्धिमान कैसे बनेंगे, बुद्धिमान कैसे बुद्धिमान बनेंगे, आपको क्या लगता है कैसे बुद्धिमान बनेंगे, शाबाश, वचन को पढ़ के, यस, और वचन को पढ़ के पढ़ना है, उसके ऊपर चलना भी है, मनन भी करना है, और कैसे बुद्धिमान बनेंगे आप, परमेश्वर का भय, परमेश्वर का भय, एग्जैक्टली, बुद्धि परमेश्वर से मांगेंगे, बुद्धि परमेश्वर से मांगेंगे, यस, जैसे बुद्धि घटी हो तुम उसे मांगे, बहुत सही बात है। और पवित्र रह के, वेरी गुड, पवित्र रह के, और प्रार्थना करके, यस, प्रार्थना, ठीक है, सही बात है, परमेश्वर से बातचीत करके, वचनों के आधार पर चलकर, वचन, वेरी गुड, वचन के आधार पर चल के, और हम्बल होने, हम हम्बल बन गया, कौन बोल रहा है, वेरी गुड, हम्बल बन के, और आपने तो फिर मेरे सारा संदेश बता दिया, अब मैं क्या प्रचार करूं, प्रेज द लॉर्ड, खैर हम देखेंगे, चलो, हालेलुया, परमेश्वर का वचन बहुत सुंदर वचन है, हालेलुया। और इस वचन पर जब ध्यान करते हैं तो ऐसी गहराई में, ऐसे डुबकी लगाते हैं हम, जैसे समुद्र में डुबकी लगाते हैं और पूरा नीचे जाके जो है सो क्या जो है जो हीरे जवाहर क्या जो कुछ होता है वो सब निकालते हैं, वैसे ही डुबकी लगाते हैं। चलो हम प्रभु के वचन में, हालेलुया, बाइबल में पढ़े हैं, पढ़ेंगे, हालेलुया। तो सब लोग डाई लेने के लिए तैयार है, वचन में डुबकी, yes. है, yes. आपको हमेशा जो है समुद्र के बारे में याद रहता है कि कैसे डुबकी मार देते हैं, और जो है वो कहाँ पे, गोवा में, और जो है जिम कॉर्बेट स्विमिंग पूल, अगर वो चलो जिम कॉर्बेट पास स्विमिंग पूल है क्या, तो आऊंगे हम, हालेलुया। प्रभु के वचन में भी जो है हम थोड़ा डुबकी मार रहे हैं, हालेलुया, अब हम प्रभु के वचन में डुबकी मार रहे हैं, जो है पूरे गहराई तक जाना है, ठीक है ना, पूरे गहराई तक जाना है, कम से कम 12-13 किलोमीटर अंदर जाना है, तब जो है मिलेगा हमको सारा नीचे सारा जो है हालेलुया माल मसाला, तो ऊपर ऊपर जो डूब के नहीं आएंगे बाहर, हम पूरा अंदर तक जाना पड़ेगा। अरे आमेन तो बोलो, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। वचन संहिता 19 का 7 मेरे पीछे बोलिए, यहोवा की व्यवस्था खरी है, यहोवा की व्यवस्था खरी है,
वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। परमेश्वर के नियम क्या करते हैं? साधारण लोगों को बुद्धिमान बनाते हैं। इसलिए बाइबल पढ़ने के लिए बताया जाता है, बाइबल पढ़ने के लिए जोर इसलिए दिया जाता है क्योंकि साधारण लोग बुद्धिमान बन जाते हैं। हमारे कैलवरी चर्च की एक बेटी है, वो तो पता नहीं क्या जो है एकदम मैनेजर एंड डायरेक्टर एंड पता नहीं क्या एकदम जो है प्रमोशन के ऊपर प्रमोशन। तो कहती कि पास्टर मैं तो हर रोज नीति वचन पढ़ती हूँ, नीति वचन पढ़ने के बाद मुझे इतनी बुद्धि आती है और बहुत बुद्धि आती है और बहुत मजा आता है और इसलिए मैं जो है नीति वचन पढ़ती हूँ और क्या बताऊँ मुझे प्रमोशन के ऊपर प्रमोशन मिलता है, इंक्रीमेंट के ऊपर इंक्रीमेंट मिलता है। हालेलुया, जो है यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। आज प्रभु परमेश्वर आपको बुद्धिमान बना देगा जब आप परमेश्वर के वचन को पूरे मन से पढ़ोगे, पूरे मन के अनुसार चलोगे, उसके ऊपर अध्ययन करोगे, मनन करोगे और उसके अनुसार चलोगे। साधारण लोगों को बुद्धिमान बनाने वाला ये वचन है, इसका नाम है बाइबल। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है बड़ा बेशकीमती नाम। तो ये बाइबल है जो हमें इतना बेशकीमती इनाम प्रभु ने हमको दिया है, जिसको हमें पढ़ना है, जिसको हमें अध्ययन करना है और उसके ऊपर सोचना है। ये रोटी है, इसको खाना है। अरे साधारण लोगों को बुद्धिमान बनाते हैं। हालेलुया, कोई होते हैं जो बहुत बुद्धिजीवी प्राणी होते हैं, तो ठीक है भाई, बहुत ज्ञान बुद्धि उनके पास है, सही बात है, होती है उनके पास। लेकिन हम जो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल लोगों को बुद्धिमान बनाने के लिए बाइबल पढ़ी जाएगी। हालेलुया, बाइबल पढ़ी जानी चाहिए और बाइबल जब पढ़ेंगे तो प्रभु परमेश्वर आशीष देगा, अपनी महिमा के लिए हमको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, और आगे लिखा है यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। ये जिससे बुद्धिमानी बनाते हैं, ये हालेलुया आनंदित करते हैं। यहोवा क्या क्या निर्मल है, आंखों में ज्योति ले आती है। वाह, आंखों में ज्योति ले आती है। प्रेज़ द लॉर्ड, आपको ये विटामिन वो विटामिन वो विटामिन नहीं जो है, अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो आपके आंखों में ऐसा कहां लिखा है? मैं नहीं कह रहा हूं, वचन में लिखा है। जिनकी आंखें खराब, बहुत सारी गवाहियां आई है, मेरी आंखें खराब थी जब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया, मेरी आंखें ठीक हो गई। प्रेज द लॉर्ड, यस, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, यहोवा का भय पवित्र है, वो अनंत काल तक स्थिर रहता है। और यहोवा के नियम पूरी नियम सत्य और पूरी रीति से धर्म में है। वे तो सोने और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से बढ़कर मनोहर है। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। कैसा प्रतिफल मिलता है? ऐसा नहीं, बड़ा ही प्रतिफल बोलो। हाँ, परमेश्वर का वचन पढ़ने और पालन करने से बड़ा प्रतिफल मिलता है, ऐसे बाइबल में लिखा है और सच में है, ये झूठ नहीं है। तो साधारण लोगों को ये बुद्धिमान बनाते हैं। हालेलुया, पहली बात हमने देखी कि साधारण लोगों को बुद्धिमान बनाने के लिए ये परमेश्वर का वचन। हालेलुया, दूसरी बात ये जो है, परमेश्वर जब किसी को बुद्धिमान करता है तो जो है हालेलुया, परमेश्वर उनके मुंह से भी बुद्धि की बातें निकालता है। आजकल फजूल सारे लोग, ये ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, इस राजनेता ने ऐसा कर दिया, उस राजनेता ने ऐसा करा, इसने ऐसा नहीं करना चाहिए, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए, इसने ऐसा करना चाहिए, ऐसे बोलते जैसे ये बंदर प्रधान होके बैठे हुए। जो देश चलाते उनको क्या पता कि क्या परेशानी है, उनको ही पता है क्या परेशानी, कैसे देश चलाना है। अरे हम लोग इतना बोलते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग लिखा है भजन संहिता 37:30 में, धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता है, अन्याय का वचन कहता है। बुद्धि की बातें, हमारे मुंह से हमेशा बुद्धि की बातें निकलनी चाहिए। हालेलुया, बुद्धि की बातें। और किसी ने कहा था ना कि परमेश्वर का भय मानने कारण बुद्धि मिलती है, हाँ वो वही वचन है। हालेलुया, भजन संहिता 111:10 में, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती, उनकी बुद्धि अच्छी होती है।
कौन? जो परमेश्वर का भय मानते हैं। अगर हालेलुया अलिया की जो परमेश्वर का भय मानना मतलब बुद्धि का मूल है। मूल मतलब क्या है सर? जड़ जैसे है ना, एकदम मतलब नीचे से मूल। हम जब भी अपने जीवन में कोई काम करते हैं हमेशा ये देखना है परमेश्वर को कैसा लग रहा है ये बात। पास्टर तो नहीं होंगे कोई बात, लेकिन परमेश्वर कैसा, मैं ये काम कर रही हूँ, ये काम कर रहा हूँ, ये परमेश्वर कैसा लगेगा, ये परमेश्वर को अच्छा लगेगा? अगर अच्छा लगेगा तो मैं जरूर करूंगी, जरूर करूंगा। परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा तो मैं ये काम नहीं करूंगी। ये परमेश्वर का भय है, इसको बोलते परमेश्वर का भय। जिनके अंदर परमेश्वर का भय है हालेलुया जो है वो बुद्धि का मूल है। इसका मतलब आपके अंदर बुद्धि आना शुरू हो गई है। आपके अंदर बुद्धि आना शुरू हो गई है, आपके अंदर बहुत बड़े बुद्धिमान होने वाले हैं आप हालेलुया। और ये परमेश्वर का वचन है। और बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। फिर हालेलुया बहुत बात इस दुनिया में, ये दुनिया जो है वो शत्रुओं की दुनिया है। कितने शत्रु हमारे विरोध में रहते हैं हमें मालूम ही नहीं चलता। चेहरों पे कभी लिखा नहीं रहता किसी की तुम्हारा शत्रु है। दिखते कितने अच्छे हैं, स्माइल करते हैं, लेकिन अंदर वो शत्रु होते हैं, अंदर वो धोखा देने वाले होते हैं। दुनिया में आप कहीं भी जाओ आपको मालूम चलेगा कि ऐसे धोखा देने वाले लोग मिलेंगे हालेलुया। और ऐसे धोखा देने वाले लोगों से परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है हालेलुया। अगर आप आज्ञा का पालन करेंगे, अगर आप प्रभु का वचन पढ़ेंगे, उसका आगे का पालन करेंगे, तो आपको आपके शत्रुओं को डरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको शत्रुओं को डरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि परमेश्वर खुद ही आपके शत्रुओं से लड़ेगा। वचन संहिता 119 के 98 में लिखा है, मेरे पीछे बोलिए, तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है। जो व्यक्ति हर रोज बाइबल पढ़ता है ना, तो उसको शत्रुओं से डरने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके शत्रु आके उसके पैरों को चुमेंगे, सफलता उसके पैरों को चुमेगी। क्यों? क्योंकि उसने बाइबल पढ़ा है। मैं भी जब सुबह उठता हूं तो प्रभु का वचन ही चाहिए मुझको, चाहे तो मैं पीता नहीं, लेकिन प्रभु का वचन मुझे पाइए चाहिए। प्रभु के वचन के द्वारा मैं तृप्त हो जाता हूं और सारे विरोधी तहस नहस हो जाते हैं, ऐसे तहस नहस हो जाते हैं। वो शत्रुओं के सामने हमारे लिए मेज बिछाता है। हालेलुया। तो इसलिए जो है बाइबल में लिखा है, तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है प्रभु। हालेलुया। ओह यस, हमें अपने शत्रुओं से अगर जीतना है तो बाइबल पढ़ो। हालेलुया। परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे, जैसे बहन ने कहा ना, जो है फोन नहीं आ रहा था बेटे का, तो मैं क्या करने लगी? बाइबल पढ़ने लगी। हालेलुया। शरण शरण स्थान यीशु निदान आराधना आराधना, हमारे शरण स्थान में है। हालेलुया। तुरंत बाइबल पकड़ लेके बैठ जाते हम लोग भैया, और जो प्रभु उत्तर देता है एकदम हालेलुया एकदम खड़ाक से उत्तर आता है। आखिरी अध्याय पढ़ रही थी बहन, और आखिरी अध्याय में फोन आ गया, hey, don't worry my child, my girl, don't worry, hallelujah, my daughter, you don't worry, the Lord is with your child, hallelujah, परमेश्वर तेरे बच्चे के साथ है, आमें? धर्मी की संतान को प्रभु कभी छोड़ता नहीं है, hallelujah, वो अपने दासी के पुत्र को आशीष देता है। आप जब हालेलुया धर्मी लोग बन जाते हैं तो आपके धर्म के कारण परमेश्वर आपके ऊपर आशीष देता है। सुलेमान इतना बुद्धिमान था, इतना ज्ञानी था, लेकिन इस बुद्धिमान व्यक्ति ने भी, इस ज्ञानी व्यक्ति ने भी कोई गलती कर बैठा। पहले तो वो प्रभु को बहुत प्यार करता था, प्रभु को बहुत प्रेम करता था, जैसे बाइबल में लिखा है। लेकिन जब प्रभु ने उसको शान शौकत दी, पैसा दिया, धन संपत्ति दी, शत्रु पर विजय दिया, तब उसने क्या करना शुरू कर दिया? सारे देशों की रानियां करना शुरू कर दिया। आज इतनी रानियां करी उसने, इतनी रानियां करी, तो उन रानियों ने, बाइबल में लिखा, उन रानियों ने उसका मन बहका दिया और उन रानियों ने सुलेमान को अपनी
जो है देवताओं के मंदिर में ले गया और देवताओं के लिए उसने मंदिर भी बनाए, ऐसे बाइबल में लिखा है, बहका दिया। इसलिए प्रभु ज्यादा पैसा देता नहीं हमको, क्योंकि पता है कि यार इसको ज्यादा पैसा देंगे तो क्या कर देगा ये तो फिर पहली फुर्सत में चर्च में आना बंद कर देगा, फिर जो है जो घूमना फिरना शुरू करेगा, फिर जो ऐसा आराम और सारे ऐश की बात चलेगी उसकी जो, हो सकता है ऐसा होने वाला हो, इसलिए प्रभु परमेश्वर को काबू में रख रहा है। हालेलुया, हाँ प्रभु ठीक है, वो कहता है ना प्रभु का दास। तो ये सुलेमान जो है इतना ज्यादा अमीर बन गया, इतना ज्यादा वैभवशाली बना कि उसने जो है बुद्धिमान होने के बावजूद भी गलतियां कर दी और पाप में जब वो गिर गया। परमेश्वर ने सुलेमान को दंड इसलिए नहीं दिया, किसने दी पता नहीं, क्योंकि उसका बाप राजा दाऊद, उसके कारण जो है परमेश्वर ने इस सुलेमान को दंड नहीं दिया। दूसरा कोई होता ना वो खड़ाक से निकलता, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं दंड दूंगा तेरे घराने के 12 जो है ये है ना कुल, अब उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन अब तेरे दिनों में नहीं करूंगा मैं, ये बिने तेरे बाप के साथ वाचा बांधी है। परमेश्वर के लोगों, आप माता पिता जब पवित्र रहते हैं ना तो उसकी आशीष अपने बच्चों पे जाते हैं। हालेलुया, उसकी आशीष अपने बच्चों पे जाते हैं। इसलिए हालेलुया, हम पवित्र रहे, हम शुद्ध रहे, हम व्यभिचार से दूर रहे, हम पाप से दूर रहे, और तब हमारे बच्चों पर प्रभु की आशीष आती है। इसलिए दाऊद कहते हैं प्रभु मुझे इतनी भी ज्यादा रोटी मत दे कि मैं तुझे भूल जाऊं, इतना भी पैसा मत दे भूल जाऊं, और इतने भी कम रोटी मत दे प्रभु जी कि मैं हाँ परेशान हो जाऊं, मुझे जितना चाहिए पेट भर खाने के लिए दे और बस मैं तेरी आराधना करता रहूं, बस तू की भेंट पढ़ता रहूंगा, बाइबल लेके बैठा रहूंगा मैं। जारी रहे हमेशा, जारी रहे हमेशा, यह इंतजाम तेरा। प्रभु तेरा इंतजाम जो कैलवरी परिवार को तो देता जा रहा है वो जारी रहे। हालेलुया, जारी रहे प्रभु जी। हालेलुया, और प्रभु तो अपने आशीष हमारे जीवन के ऊपर उंडेल प्रभु जी, और तेरी महिमा जो है हालेलुया बढ़ा प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, ये बुद्धि को हमको प्रभु ने दिया है। हालेलुया, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है, और ये बढ़ने वाला जो है साधारण लोग जो है वो बुद्धिमान बन जाते हैं। अब ये बुद्धि को बढ़ाए कैसे, फिर से नीति वचन उसके पहले अध्याय में उसका उत्तर दिया है। दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन, इनका पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे, समझ की बातें समझे, काम करने में प्रवीणता और धर्म और न्याय और सिधाई की शिक्षा पाए, कि भोलों को चतुराई और ज्ञान, जवान को ज्ञान और विवेक मिले, बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए, समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। हमें जो है ये बुद्धिमान बनने के लिए प्रभु का वचन उस पर ज्यादा ध्यान देना है और ज्यादा वचन पढ़ना है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, उनको लगता है कि मैं चर्च में जाता हूं इसलिए मैं बुद्धिमान हो गया हूं। ना जी, आप जब तक प्रभु का वचन नहीं पढ़ेंगे तब तक बुद्धिमानी आपको मिलेगी नहीं। ऐसे भी प्रकार के लोग हैं जो अपने दृष्टि में बुद्धिमान समझते हैं, मैं कौन हूं, ऐसा घमंड है उनके अंदर, मैंने ऐसा करा, मैं दो चार बातों के लिए इतना घमंड करते रहते हैं, तो घमंडी आत्मा उनके अंदर आता है। बाइबल में नीति वचन 3:7 में लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। साफ साफ बताया जाता है बाइबल में। प्रेज द लॉर्ड, यस। और जो है लंबी आयु के लिए क्या खाना चाहिए हमें, बादाम, अखरोट और क्या, किशमिश और हाँ, और क्या क्या खाना चाहिए, बहुत सारे लोग कहते ये खा लो, वो खा लो, ऐसा खा लो, ऐसा खा लो, तुम्हें बहुत लंबी उम्र मिलेगी। ये जापानीज लोग ये खाते हैं, चाइनीज लोग ये खाते हैं, भैया उनको चाइनीज लोग मत बताओ क्या खाते हैं, हमें नहीं खाना चाहते। वाह 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 वाह,
हमने अगर नहीं छोड़ो गए चाइनीज जब जापानी लोगों को एग्जांपल दे रहा हूं क्या बिरगा खाओ पढ़ो यहां भी लिखा है मेरे पीछे बोलो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना यहोवा का भय मानना बुराई से अलग रहना ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी डॉक्टरों के एकदम विरोध में चल रहा है तो डॉक्टर ने कहा था अगर तुम्हें चाहे ना हड्डियां कमजोर तो कैल्शियम खाओ तिल खाओ खसखस होता है खसखस खसखस खाओ तो ये क्या कह रहे हैं प्रभु का वचन प्रभु का वचन कह रहा है भैया अपनी दृष्टि में हाँ बादाम खाओगे तो जल्दी कैंसर हो जाएगा तुम ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं लेकिन जो है तुम कुछ भी खाओ मरना तो आई है लेकिन अगर थोड़ी लंबी आयु चाहिए तो परमेश्वर यहोवा का भय मानना है बुराई से अलग रहना है ऐसा करने से यहां बात आई हालेलुया कोई डॉक्टर नहीं बता सकता ये तो सिर्फ पास्टर ही बता सकता है ये तो सिर्फ बाइबल ही बता सकता है ये तो सिर्फ परमेश्वर का आत्मा ही बता सकता है ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी हालेलुया तुम्हारी हड्डियां अच्छी होनी तो हालेलुया क्या करना है परमेश्वर का भय मानना है यस चाहिए सच है इस पर विश्वास कर सकते हो yes. इस पर विश्वास नहीं कर रहे इसलिए तो वो लोग फटाफट ऐसी प्रॉब्लम हो रही है इसलिए जवानों को हार्ट अटैक आ रहा है आजकल इसलिए फटाफट जो है लोग मौत जल्दी जल्दी आ रही है लोगों को क्यों क्योंकि वे परमेश्वर का भय नहीं मानते परमेश्वर का भय मानना बहुत ज्यादा जरूरी है बुराई से अलग रहना बहुत जरूरी है और यही है गुप्त रहस्य लंबी आयु के लिए जापानीज के पास मत देखो ना चाइनीज वालों के पास देखो वो तो सांप खाते हैं कोई लोग तो कुत्ते खाते हैं कोई तो सुअर खाते हैं लेकिन हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेंगे हम तो परमेश्वर का भय मानेंगे हालेलुया प्रेज लॉर्ड बुराई से अलग रहेंगे हालेलुया न्याय का काम करेंगे ऐसा करने के द्वारा हमारा शरीर भला हो जाएगा और हमारी हड्डियां पुष्ट रहेगी ऐसे प्रभु के वचन बताता है हालेलुया अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना हालेलुया ये परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना और प्रभु हालेलुया आशीष देगा हालेलुया प्रभु अपनी शांति से भरेगा फिर जो है प्रभु जो है आलसी लोगों को बुद्धिमान बनाना चाहता कौन कौन आलसी यहाँ पे हाथ उठाने के लिए होगा लेकिन प्रभु आलसी अरे उठना का उठ जा 12 बज गए बताओ पहले कल ना रात को थोड़ा ज्यादा फोन देना था 3 बजे तक फोन देखते हैं तो सोचे बैठो बाइबल में क्या पढ़िए सोचे को नीति वचन छठवें अध्याय का छठवां वचन हे आलसी चींटियों के पास जा और उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान बन प्रभु का एक ही काम है कि हमें क्या बनाना चाहता है वो बुद्धिमान बनाना चाहता है कैसे बुद्धिमान बनेंगे हम छोटी छोटी चींटियों से हाँ ये छोटी छोटी चींटियां जब यहां तक कि हाथी के कान में भी जब जाती है ना तो हाथी भी कहते हैं मर जाते जल्दी इसलिए वो कान फड़फड़ाता रहता है वो हाथी कि चींटी ना आ जाए हे आलसी तू चींटी के पास जा वो क्या करती है उनके काम को तू ध्यान से देख वे अपना आहार धूपकाल में संचय करती है कटने के समय अपने भोजन वस्तु बटोरती है हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा तेरे नींद कब उठेगी आजकल जो है ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं रात को ना क्या करते हैं फोन आजकल यूट्यूब है खटक 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 अरे सब्जी बनानी है आज बनाऊंगी मैं खटक खटक अभी सब्जी बनाने के टाइम खड़ डाल के खा रहे तो कुकर कर सिटी बंद कर देता हूँ सिटी कुछ भी हो गया अरे क्या है क्या कितनी दुखी बात है ये फटाफट जो है रोटी डालो फटाफट कच्ची हो जैसी हो जाए खाल मिले खाओ फिर जाके अपना खटक खटक अब यूट्यूब पे चलता रहता है My God, ये जो है खटक खटक जो है ना जो है
अभी चार घंटे हो गए खटा खटा करते करते अभी तो उठे ही नहीं, दो दो चार चार पांच पांच घंटे मालूम नहीं चलता। ये शैतान जो है आपके एक एक दिन दो दो दिन चार चार घंटे ऐसा लेता है, आपकी पूरी जिंदगी खा लेगा वो, मगर जैसे ऐसे मुंह आकर निकला गया और आपको निगल लेगा आपकी पूरी जिंदगी वो। इसलिए बच जाओ, ये खटाक खटाक बंद करो आप। हेलो, प्रेज लॉर्ड, यस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम अपना समय प्रभु को दे। हालेलुया, हर प्रभु परमेश्वर। अब मैं प्रभु यीशु मसीह के समय में बाइबल लिखा गया, इसलिए अभी आजकल का समय में बाइबल लिखा जाता तो प्रभु अगर आते कहते तो प्रभु पता नहीं कितने चैप्टर जो है फोन के ऊपर ही लिख डालते, बाप रे, और एकदम जो है बता देते कि ये गलत चीजें ना देखो और ऐसा करो वैसा करो। मैं बहुतों को बोलता हूँ तो बहुत सारे लोग दुखी हो जाते हैं, क्या ऑर्डर तुमने उस दिन बोल दिया था, तुम्हें बताया था मेरी मम्मी ने क्या, बोले भैया मुझे कोई नहीं पता था, फिर कैसे, बोले ये पवित्र आत्मा के द्वारा है। हालेलुया, यस। मैं किसी की माँ को और किसी के पापा को बता कि मैसेज तैयार नहीं करता हूँ, ये पवित्र आत्मा है मुझे बताता है और जो बातें रिवील करता है, क्या रिवील करता है, खटक खटक, ये बातें रिवील करता है प्रभु, और इसलिए हमें अपने आप को बदलना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत लोगों को बुरा लग गया ना बात, बाइबल में क्या लिखा पढ़ो जो है नीति वचन 9 अध्याय और उसके 8 वचन में, मेरे पीछे बोलिए, ठट्टा करने वाले को न डांट, ऐसा ना हो कि वो तुझसे बैर रखे, बुद्धिमान को डांट और वो तुझसे प्रेम रखेगा, बुद्धिमान को शिक्षा दे और वो अधिक बुद्धिमान होगा, धर्मी को चिता दे और वो अपनी विद्या बढ़ाएगा। क्या बात है, प्रेज़ द लॉर्ड। हम जो है इसलिए आप बुरा नहीं मानेंगे ना, नहीं, क्यों, क्योंकि आप बुद्धिमान कर लो, सच में आप है, आप है, प्रभु यीशु ने आपको बुद्धिमान बनाया है, इसलिए तो आज इस भवन में आए हैं आप। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, यस। बुद्धिमान को शिक्षा दिया और वो अधिक बुद्धिमान होगा, धर्मी को शिक्षा दिया वो और अपनी विद्या बढ़ाएगा, बुद्धिमान को डांट और वो उससे प्रेम कर रखेगा। आमेन। मैं कलीसिया के लोगों को इतना डांटता हूँ, खुद के घरों में जाता हूँ, कहाँ गई थी तू, कल परसों बता रहा था, कहाँ गई थी तू, परसों उधर घर में गई, उधर घर में जाने क्या जा रहा है तुझको, बस के मामा बैठे हुए सब, मैं भी डांटे जा रहा हूँ उसको, कहाँ कहीं जाने के सर, हाँ तुझे पता नहीं कौन है वो लोग, आपको विश्वासियों के साथ संगति करनी है, आपको प्रभु के लोगों के साथ संगति करनी है। मैंने बताया उनके घरों के बारे में, उनके घरों में एक जो है लड़की भाग गई, वो एक जो है किसी के साथ भाग गई और वो फिर आ गई, फिर मम्मी पापा ने रख दिया, फिर से भाग गई, फिर से आ गई, फिर से भाग गई, फिर से आ गई, फिर उसके पापा ने कहा भैया अब मैं नहीं रख सकता, तू चली जा, जा जाना है, ओ माय गॉड, और उसको जो हटा दिया, मम्मी पापा ने हटा दिया उसके। इसलिए हालेलुया, बाइबल में बहुत सुंदर से लिखा हुआ है कि तुम्हें हालेलुया कैसे रहना है, बुद्धिमान रहना है। हालेलुया, बुद्धिमान क्या करता है, आज्ञाओं को स्वीकार करता है। हालेलुया, जो बुद्धिमान है वो आज्ञाओं का स्वीकार करता है। हालेलुया, फिर बुद्धिमान लोगों का एक बहुत अच्छा जो है, आपने अपने आप को बुद्धिमान तो कह ही दिया ना, अरे हेलो, अभी कितना शर्मा क्यों रहे, जोर से बोलो ना, बोल दिया ना बुद्धिमान है ना आप, यीशु मसीह में बुद्धिमान है ना, शर्मा क्यों रहे, जोर से बोले यस मैं हूं, शैतान को सुने तो यस मैं बुद्धिमान हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, यस। बाइबल में लिखा है बुद्धिमान के वचन से क्या होता है, देखिए ऐसे लोग है, नीति वचन 12 अध्याय का 18 वचन, ऐसे लोग है, मेरे पीछे बोलो ऐसे लोग है, जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार की नहीं चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं, बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, बुद्धिमान जब बोलते हैं ना, कल मैंने जय जो ऑडियो भेजी, किसने सुनी वो ऑडियो, फिर वही इतने 10-12 लोग, फिर सब लोग सुना करो कृपया, है ना, और जो वो ऑडियो की गवाही आ गई कि दो व्यक्ति जो है बीमार थे, इतना सर का दर्द था पता नहीं क्या, और वो ऑडियो सुनने के बाद मैं एकदम तुरंत चंगा हो गया। आप कम से कम बृहस्पति शनिवार की प्रार्थना में नहीं आते तो कम से कम वो सुना करो, अपने घर में जोर से लगाओ जो है लाउड स्पीकर पे, ताकि घर के सारे दुष्ट आत्मा निकल जाए,
तब जो है प्रभु, और वहां पे लिखा है बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं। हमारे चर्च में एक सदस्य आया और हमारे भाई ने कहा कि एक बहन मेरे रिश्तेदारों में गया, बहुत बीमार थे, और मैंने कहा कि जो वहां पे एक पास्टर भी आए, उन्होंने भी प्रार्थना की और वो चले गए सब लोग, लेकिन ये रिश्तेदार थे इसलिए घर में रहे, और घर में रहने के बाद में उन्होंने कहा कि वो जो है बहन और बीमार हो गई, और उसने कहा कि अब जो है मुझे ले चलो हॉस्पिटल में, सफदरजंग में ले चलो, और यही की बात है। और सफदरजंग में जाने के लिए वो जाने लगे तो हमारे भाई ने कहा नहीं रुक जाओ, पैसा दीश ने कहा रुक जाओ मैं प्रार्थना करूंगा, उसने कहा नहीं नहीं बहुत प्रार्थना हुई है जान दो, उसने कहा नहीं रुक जाओ प्रार्थना करेंगे, उन्होंने प्रार्थना करी, और प्रार्थना करने के बाद में जो है उसको एकदम चंगाई मिल गई, और उसने कहा मुझे खाने के लिए दे दो, और उसने खाना खाया और वो जो है हॉस्पिटल जाने से बच गई। बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। नहीं तो आजकल लोग बोलते हैं कि क्या बीमारी है मुझे ना कैंसर हो गया, तो विश्वासी लोग क्या बोलते कैंसर मोमो खाया था क्या क्या खाते थे तुम लोग कैंसर हो गया, वो बेचारा वैसे ही आधा मर चुका है, डॉक्टर ने बोल दिया कि जो है कैंसर आ गया, और तुम भी है आपको बोलना चाहिए कोई बात नहीं ब्रदर कैंसर है ना, अरे बहुत कैंसर खत्म हो गया ना हमारे, प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु ठीक करेगा, प्रभु तुम्हारे कैंसर भी ठीक करेगा, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं, उनको परमेश्वर चंगाई दे देता है, चंगाई प्रदान करता है, परमेश्वर करे कि आपको चंगाई प्रदान करे, हालेलुया। और इसलिए हालेलुया हमें अपने मुंह से कौन से शब्द निकलते बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे मुंह में बहुत पावर है, विश्वासियों के मुंह में बहुत पावर है, विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह होंगे, ये बीमारों में हाथ रखेंगे वो प्रार्थना करेंगे बीमार चंगे हो जाएंगे, हालेलुया। सिर्फ पास्टरों के नहीं लेकिन हर एक विश्वासी हर एक प्रभु का दास दासी उनके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य रहेगी, हालेलुया। ओ यस बुद्धिमान के मुंह में हालेलुया, बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं, ये बाइबल बताती है, हालेलुया ये भाई। इसलिए बुद्धिमान की बातों पे जो है नजरअंदाज ना करें, आप कौन है बुद्धिमान, हां ये थोड़ी शर्म जा रही है आपके, आप बुद्धिमान होते जा रहे हैं, वेरी गुड हालेलुया, ताली बजाओ अपने लिए, वेरी गुड। बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं, फिर अगर आप बुद्धिमान हैं तो आपको बुद्धिमानों की ही संगति करनी पड़ेगी, जैसे शराबी की संगत करते हैं, शराबी शराबों की संगत, चोर के साथ करते हैं चोरों के साथ, तो बुद्धिमान के साथ बैठेगा जैसे आप आज बैठे हैं, पढ़िए नीति वचन 13:20 मेरे पीछे बोलो, बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा, बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। हमें प्रभु परमेश्वर बुद्धिमान बनाना चाहता है, हालेलुया, और प्रभु परमेश्वर सहायता करे आपको कि आपको हालेलुया वो बुद्धिमान, हालेलुया बुद्धिमान व्यक्ति बनाएगा। फिर बुद्धिमान पत्नी मनीषा क्या लिखा है प्रभु, घर और धन पुरखाओं के भाग में है परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही की ओर से मिलती है, हालेलुया। नीति वचन 19:14 हालेलुया, बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही की ओर से मिलती है, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। और नीति वचन 14:14 हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है परंतु मूढ़ स्त्री उसको अपने हाथों से उठा देती है, हाँ। तो प्रभु परमेश्वर का वचन बताता है कि बुद्धिमान, आज हम देखते हैं कि हालेलुया पति पत्नी का सबसे बड़ी संपत्ति कौन सी है, वो एक दूसरे के ऊपर विश्वास, उसका सोना चांदी नहीं, उनकी वॉशिंग मशीन या उनका घर या फ्लैट नहीं, लेकिन जो है एक दूसरे के ऊपर क्या हुआ विश्वास। सिर्फ पति पत्नी नहीं लेकिन घर का हर एक सदस्य, हमें अपने परिवार के लोगों के साथ विश्वास से रहना चाहिए और तब परमेश्वर हमें बुद्धिमान बनाएगा। तो आज हमने बहुत सारी बातें देखी, बहुत सारे डुबकियां लगाई और बहुत सारे हीरे मानिक ले आए ऊपर ले आए, अब इसको हालेलुया पहनिए, इसके अनुसार जिए और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आइए हम सब खड़े हो जाए प्रभु की उपस्थिति में।
पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर राजा यीशु नासरी के नाम से आपके पास आते पिता, और हम धन्यवाद देते प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु तेरा वचन साधारण लोगों को बुद्धिमान बनाते है प्रभु। तूने कहा प्रभु बुद्धि की बात है प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु ये भय यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का मूल है प्रभु। हम अपने शत्रुओं से ज्यादा बुद्धिमान तब बनते हैं जब हम तेरी आज्ञा का पालन करते प्रभु। प्रभु परमेश्वर पिता और धर्मी लोगों को जब डांटा जाता है तो प्रभु जी वो और प्रेम करता है और समझता है और जीवन के नियमों को स्वीकार करता है। प्रभु बुद्धिमान के मुंह में चंगाई है प्रभु, चंगे होते लोग प्रभु जी। हाँ प्रभु बुद्धिमान की संगति तो करने के लिए हमें बताता है प्रभु। हर एक व्यक्ति को बुद्धिमान की संगति करने के लिए सहायता कर। बुद्धिमानों की जो मीटिंग होती है प्रभु जी वो बृहस्पतिवार शनिवार रविवार उसमें हर बार आने के लिए सहायता कर, समय पर आने के लिए सहायता कर प्रभु परमेश्वर कार्य कर। यहाँ पे जितनी सारी पत्नियां हैं बुद्धिमान पत्नियां बना, वो अपना घर बनाए प्रभु जी। हालेलुया, जितने सारे पति वो बुद्धिमान पति बने अपने घर को बनाए प्रभु जी। जितने बच्चे बुद्धिमान बच्चे बने प्रभु जी, अपने माता पिता के साथ विश्वास से रहे प्रभु। हर एक जन को आशीषित कर। आज तूने बुद्धिमानी का वचन हमें समझाया प्रभु जी। ओ प्रभु ये बुद्धिमानी हर एक व्यक्ति के अंदर उत्पन्न कर, सारे बंधनों को तोड़ दे प्रभु यीशु, तेरी महिमा हो। एक एक जन को प्रभु तो अपने आशीषों के साथ में उनको विदा करता हूँ, उनको आशीषित कर। जो जो व्यक्ति बीमार है उनको मैं यीशु के नाम से चंगाई प्रदान करता हूँ। हर एक बीमारी दूर हो यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते सुना कबूल कर पिता, आमीन। अपने हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद देंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सब के साथ आशय रखे। प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह पड़ी रहे। आमीन, आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। शालोम, शालोम और शालोम।